अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल आर्टिस्कोप सिंधी। सो मैं आज सब लोगों को टाइम टेबल में कैसे हम कलरिंग कर सकते हैं, कैसे कलर जो है हमारे टाइम टेबल के अंदर जो ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में कलर्स करना सिखाया था कि टाइम टेबल को किस तरीके से हम कलर कर सकते हैं। मतलब पहले मैंने एक सिंपल टेबल क्रिएट की हुई थी, उसके बाद मैंने उसको कलर्स किए थे। तो मैं आज आप लोगों को इसके ज़रिए मतलब कलर करना सिखाऊंगी कि हम बॉर्डर का कलर कैसे कर सकते हैं, हम बैकग्राउंड कलर कैसे कर सकते हैं इसका। तो चलिए मैं आप लोग को उसके सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ये टाइम टेबल जो है अपना वो क्रिएट किया हुआ है कि मतलब इस तरीके से हमारा टाइम टेबल क्रिएट होता है। तो मैंने यहीं HTML के ज़रिए ये जो है अपना प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, और पूरा प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, ये मेरा टाइम टेबल है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको इसका प्रोग्राम दिखाती हूँ। ये है इसका प्रोग्राम, ये इस तरीके से मैंने ये प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं मतलब क्रिएट करूँगी जो है मेरा, तो मैं यहाँ पे इसको मैं इसको यहाँ से मिटा दूँगी कलर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आगे तक आप लोग उसके बारे में बताऊँगी। तो इससे पहले कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आप लोग को इसके बारे में बताती हूँ कि किस तरीके से हम टाइम टेबल कलरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो रो है इसको रिमूव करूँगी, यहाँ पे देंगी, फिर यहाँ पे देंगी बॉर्डर, बॉर्डर के बाद हम लेंगे देंगे ये, ठीक है। अब मैं इसको डबल डॉट जो है हमारा ज़रूरी होता है, तो चलिए मैं यहाँ पे इसको दे देती हूँ। हम मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा बॉर्डर्स हैं, जो बॉक्स बने हुए हैं, उनको मतलब उनको हम कौन सा कलर करें, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को इसके अंदर बताऊँगी किस तरीके से। तो हमें यहाँ पे वो कलर का नेम देना है कि हमें ये कलर चाहिए अपने बॉर्डर के अंदर और ये चाहिए। तो मैं यहाँ पर देती हूँ ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे मैं दे दूँ ब्लैक, फिर यहाँ पे देंगे थोड़ा स्पेस। स्पेस हर किसी बात स्पेस देना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे मैंने स्पेस दिया। फिर मैं इसको करूँगी, ये मेरा जो है पाउडर कलर है। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा देना चाहती हूँ तो मैं वो लिखूँगी। तो मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर दूंगी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, स्पेस के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड पे मैं इसको दे दूंगी। फिर यहाँ पे दूंगी डबल कोटेशन। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कलर कौन सा देना चाहती हूँ तो मैं पिंक दे देती हूँ बैकग्राउंड को जो हमारा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो हम इसको सेव करते हैं। यहाँ पे मैंने किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे फॉरफॉर कर देती हूँ अपनी जो फाइल ई में कर देती हूँ ई में। तो चले मैं आप लोग को इसके अंदर दिखाती हूँ। मैं ई में गई, यहाँ पे मैंने देखी यहाँ पे बैठा है मेरा टाइम टेबल। तो चले मैं इसको दिखाती हूँ रन करा के। देखिए ये इसके जो हैं कलर्स जो हैं इसके इस तरीके से आए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोग को और करना दिखाती हूँ, ठीक है, तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। सो एवरीवन, मैं यहाँ पे इसको दे रही हूँ ग्रीन कलर, ठीक है। यहाँ पे हमें बीजी कलर, हमें पूरी स्पेलिंग नहीं लिखनी होती, यहाँ पे हमें बीजी कलर देना होता है, फिर हमें यहाँ पे बॉर्डर कलर देना होता है। तो चलिए मैं आप लोग को इसको रन करा के दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारा ये जो कलर है हमारे इस बैकग्राउंड के अंदर शो होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको करती हूँ सेव कर देती हूँ 99 के नेम से। तो ये मेरा हो गया सेव ई के अंदर, जो ई है मेरा उसके अंदर हो गया यहाँ पे है। तो चले मैं यहाँ पे इसको निकाल सकती हूँ। देखिए ये इस तरीके से होता है मेरा जो है, जो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया होता, बीजी कलर दिया होता, तो ये यहाँ पे आ गया। और ये जो इसके जो भी है वो पिंक दिया हुआ है कलर, ठीक है। तो यहाँ पे पिंक सिंपली थोड़ा हल्का हल्का सा दिख रहा है, तो ये पिंक कलर है, इस तरीके से होता है। तो चले मैं आप लोगों को इसके अंदर और भी कलर चेंज करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं देती हूँ पिंक, यहाँ पे देती हूँ ब्लू, यहाँ
ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सेव है, तो मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से जो है हम अपने टाइम टेबल के जो मतलब जो है कलर्स चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने जो है जो भी टेबल बनाते हैं, जैसे कि हम कोई मार्कशीट बना रहे हैं या हम कोई मतलब चाह रहे हैं कि हमारा ये वर्ड्स जो है हमारे वेब पेज पे शो हो, तो इस तरीके से हमारे वेब पेज पे शो होते हैं और इस तरीके से हम लोग उनको कलरिंग करते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। इससे यही होता है कि ये बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपली दिखते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें अच्छे तरीके से इसको कलर करना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने पिंक की दिया होता तो अब मैं यहाँ पे और कलर चेंज कर सकती हूँ उसके, तो मैं ये दे देती हूँ पिंक की जगह पीच कलर, पीच। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पीच दिया हुआ है, तो देखते हैं पीच किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे मैंने 5 कर दिया होता तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ 0.0। ठीक है, इसको सेव करने के लिए, सेव करना तो मैंने आप लोग को पहले सिखाया था कि किस तरीके से हमारा इसे होता है। देखें ग्रीन ये आ गया हमारा। ठीक है, तो मैं इसको अब और करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो और कलर से चेंज करके दिखाती हूँ। अब देती हूँ मैं इसको रेड भी नहीं, वाइट भी नहीं, कौन सा कलर दें हम इसको जो उस पर सूट करे, तो मैं इस पर देती हूँ ब्लू भी नहीं, ब्लू भी दिया हुआ मैंने, मैंने आप लोगों को ग्रीन भी देकर दिखाया, मैंने बीच भी कलर दिखाया, पिंक भी दिखाया, तो मैं इस पर येलो, येलो कलर। ठीक है, तो चलें मैं इसको रन करती हूँ। ई में ही सेट पैटू जैसे कि मैंने इस पर किया, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ 1122 के नाम से, चलने सही है अभी। ये ले जी, देखें ये सही कैसा होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरे जो ये लेक्चर्स हैं ये समझ में आए हों, और मेरे जो भी हैं मतलब मैंने जो भी आप लोग को सिखाया, जैसे कि कलर्स करना और टेबल क्रिएट करना, मैंने हर तरीके से आप लोग को इसके अंदर सिखाया। तो देखें इस तरीके से हमारी इसके अंदर कलरिंग होती है और हमारा टाइम टेबल अच्छे तरीके से दिख सकता है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें इसको कलरिंग करनी भी आनी चाहिए। और उसके अंदर कौन से टेक यूज़ होते हैं मैंने आप लोग को वो भी टेक्स बताए हैं। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद।